हाँ जी, स्वागत है जी तुहाड़ा सारे ना साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते। पंजाब दे विच छेवां पे कमीशन है जिहड़ा वो लागू कर दिता गया है। कल मंत्री मंडल की मीटिंग दे विच इहनूं हरी झंडी दे दित्ती गई है। तो इहदे नाल संबंधित तनखाहां की जानकारी जिहड़ियां मंजूर कीतियां गईयां ने छेवें पे कमीशन के अधीन, जिहदे विच महंगाई भत्ता, पेंडू भत्ता, उच्च योगता भत्ता अते तनखाह फिक्सेशन, तो इहदी डिटेल च जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो चैनल में सबसक्राइब तो बैल आइकोन आल से प्रेस जरूर कर लियो तो समय सिर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तो अलावा अगर तुम पंजाब होने वाले पेपर लिए नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साइट का लिंक दिता होया तो उन्होंने ओपन करके PDF नोट्स है जो डाउनलोड कर सकते हो, जिद करंट अफेयर, पंजाब GK, स्पोर्ट्स GK, हिस्टरी पंजाब, तीनों पार्ट हिस्टरी दे आ जाएंगे, साइंस GK, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और पंजाब टेट नाल संबंधित नोट्स है जोड़े वो अवेलेबल ने। बाकी जिस भी टॉपिक पर रीड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के ही तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगे या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हो। तो शेयर कर दें जी पंजाब के छेवां पे कमीशन तहत तनखाह संबंधित जानकारी। तो पंजाब छेवें पे कमीशन तजवीज़ा जो पंजाब विभाग के वलों मंजूर की गई ने, पहले नंबर पर है तनखा फिकीएशन या फिक्सेशन। तनखाह फिक्सेशन 1/1/2016 तो ही की जाएगी, वधी हुई तनखाह 2 जुलाई 2021 तो लागू होगी। पिछले पीरियड का एरियर जिहड़ा वो अदा किया जाएगा। जिन्हां कर्मचारियों की तनखाह 1 अक्तूबर 2011 और 2 दिसंबर 2011 दे विच रिवाइज़ हुई है, उन्होंने दो ऑप्शन विचों एक ऑप्शन दे के अपनी तनखाह फिक्स करवा सकते हैं। जेकर 1 अक्तूबर 2011 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1/1/2016 ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.25 ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1/1/2006 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ 1/1/2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰ 2.59 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ 3% ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ केंद्रीय पैटर्न ते लागू किया जा सकता है। जिन्ना केंद्र सरकार के मुलाजमान मिलता है उन्ना ही मिलता रहेगा। महंगाई भत्ता 50% होने बेसिक पे विच मर्ज है जिहड़ा वो नहीं होगा। सो अगला मकान किराया भत्ता, सारिया थावां दी दर है जिहड़ी वो घटाई गई है। पेंडू खेतरां विच पहला मिल रहे 10% नूं घटा के 8% जिहड़ा वो कर दिता गया है। अगला हुंदा पेंडू भत्ता, पहला मिल रहे 6% नूं घटा के 5% कर दिता गया है। सो जो मकान किराया भत्ता है अते पेंडू भत्ता तो इन्हां दी दर है जिहड़ी घटाई गई है सारियां थावां ते। पहला सीगा 10% मिलदा सी तां हुण मिलेगा 8%। पेंडू भत्ता सी पहला 6% सीगा तां हुण इहनूं घटा के कर दिता है 5%। अगे आउंदा जी उच्च योग्यता भत्ता, नवा लॉन्च किया गया है। उच्च योग्यता पूरी होने पर उक्का पक्का जिहड़ी रकम मिलेगी। सरकारी नौकरी दे विच दो बार मिल सकती है, दोनों का गैप है जिहड़ा वो 2 साल का होना चाहिए। PhD लई 30,000 रुपये, पोस्ट ग्रैजुएशन 1 साल तो वध 25,000, पोस्ट ग्रैजुएशन 1 साल या फिर घट 20,000 रुपये, डिग्री कोर्स 3 साल वध 15,000, डिग्री कोर्स 1 साल 10,000। तो ये उच्च योग्यता भत्ता जिहड़ा मिलेगा तुहाडी स्टडी के हिसाब नाल। PhD, पोस्ट ग्रैजुएशन, ग्रैजुएशन आएगा, डिग्री कोर्स आ जाएगा, तो इस अलग अलग हिसाब नाल इन्होंने मैनशन किया है। तो अगे है कैश हैंडलिंग अलाउंस, ये जिहड़ा वो खत्म कर दिता गया। अगे आउंदा जी मैडिकल भत्ता, पहला मिलता जिहड़ा मैडिकल 500 भत्ता है वो जारी रहेगा। सरकार जल्द ही पंजाब गवर्नमेंट इंप्लॉय हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जी लॉन्च कर रही है। सो ये कोई भी बदलाव नहीं किया गया,
पहला 500 मिलता सी तां इही जारी रख्या गया है। अगला आउंदा जी मोबाइल भत्ता, पहला मिलदी दर अनुसार जारी रहेगा, इस दे विच भी जिहड़ा कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अगे आउंदा जी एरियर, एरियर जिहड़ा उह दो किस्तां दे विच मिलण योग होवेगा। इहदी पहली किस्त है जिहड़ी 1 अक्तूबर 2021 दे विच अते दूजी जनवरी 2022 दे विच मिलेगी। सो ये सारी डिटेल है जो पंजाब 6वें पे कमीशन दियां तजवीज़ां जो पंजाब विभाग वालों मंजूर ने जिहड़ियां कीतियां गईयां ने। तनखा विशेषण आ गया, इहदे विच महंगाई भत्ता आ गया, मकान किराया आ गया, पेंडू भत्ता आ गया, उच्च योग्यता भत्ता आ गया, कैश हैंडलिंग अलाउंस इहनू खत्म कर दिता गया है, मेडिकल भत्ता वो 500 जारी रहेगा, पहलों वाली जारी रहेगा कहने तो भाव मोबाइल भत्ता दर है ये भी पहलों तो जो मिलता उही मिलेगा। एरियर है जिहड़ा दो किस्तों के मिलेगा 1 अक्तूबर 2021 और जनवरी 2022 दे विच। इस तो अलावा जिहड़ा मकान किराया भत्ता है वह पहला 10% सी तां इहदे विच कटौती की गई है 8% कर दिता गया। पेंडू भत्ता पहला 6% सीगा तो हुण इहनू 5% है जिहड़ा उह कीता गया। सो ये सारिया मंगा ने जिहड़ियां 6वें पे कमीशन नाल मंजूर कीती गई ने। कुछ मंगा आपां कह सकते हैं टोटली जो सारिया मंगा सी वह नहीं हुई तो इहदे विचों कुछ मंगा ने जिन्हां नू प्रवानगी दिती गई है। बाकी अगे जो अपडेट आएगी समय सिर असीं तुहाडे नाल शेयर करदे रहांगे। इस तों अलावा काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं जिहड़े वो मास्टर केडर दियाँ पोस्टां नू लैके ने, क्योंकि मास्टर केडर दियाँ पोस्टां दी अनाउंसमेंट इहदे विच नहीं की गई कितने भी है जिहड़ा वो जिक्र नहीं किया गया। हर बार उम्मीद हुंदी है कि कोई ना कोई वैकेंसियां दा नोटिफिकेशन है जिहड़ा जारी किया जाएगा, वैकेंसियां नू प्रवानगी दिती जाएगी, पर इस मीटिंग दे विच भी इदां नहीं होया क्योंकि अगे है जो चोन जाबता लग जाएगा। अगर 1-2 महीने दे विच ये मीटिंग दोबारा हुंदी है जां फिर वैकेंसियां आउट हुंदियां ने तां चंगी गल है, अगर चोन जाबता लग जाता तां फिर तां अगली सरकार ते ये चला जाएगा सारा प्रोसैस जो भी है। इस तों अलावा बाकी धरने है जो कंटिन्यू जारी रखे हुए ने बेरोज़गार ETT टैट पास अध्यापकों के वलों, सो उन्हां लई किन्नी राहत होवेगी, की अपडेट आएगी, किन्ना समा लगेगा, कदों सरकार है जिहड़ी वो मास्टर कीडर SST पंजाबी दीआं वैकेंसियां ने जिहड़ियां वो आउट करेगी, कदों पंजाब टैट लेगी। सो ये सारा प्रोसैस है जिहड़ा हाले तक भी पेंडिंग पिया है। हाई कोर्ट ने भी जिहड़ी डेट एक्सटेंड कर दिती है, अगे डेट पा दिती है जी सुनवाई की, जो पटीशन पाई हुई है जो पेंडिंग एग्जाम पे ने 2019, 2020 और 2021। सो कल तो असीं वीडियो ये शेयर भी की सी 26 जुलाई सुनवाई की तरीक है जी पा दिती है। सो 26 जुलाई तक पंजाब टैट की जी अपडेट नहीं आएगी, जो मास्टर केडर की अपडेट आएगी तो नाल दी नाल जानकारी तुहाडे नाल शेयर करते रहेंगे। सो चैनल नाल जुड़े रहो, सबसक्राइब तो बैल आइकॉन आल प्रेस जरूर कर लियो, तो ही तुहानू साडी वीडियो का नोटिफिकेशन है जिहड़ा वो समय सिर मिलेगा। धन्यवाद जी।